बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम हेडलाइंस में खुश आमदीद, मैं हूँ उरैनब अब्बास। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इस्लामाबाद में अफगान मुहाजरीन से मुतलिक आलमी कॉन्फ्रेंस जारी। वज़ीर आज़म और अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल कॉन्फ्रेंस में शरीक मुल्की और गैर मुल्की अहम शख्सियात ने भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। यूएन हाई कमिश्नर ने कहा कि पाकिस्तान मुहाजरीन से मुतलिक हिकमत अमली मरतब करें। बच्चों ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तराने पेश किए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा, अहम अमूर पर गाइडलाइन भी दी जाएगी। FATF का इजलास पेरिस में जारी। पाकिस्तान के ब्लैक लिस्ट में जाने के खतरात टल गए। पाकिस्तान वफ़ की क़यादत वफाकी वज़ीर हमाद अजहर ने की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का आलमी मुहाजिरीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान में दहशत गर्दों की कोई महफूज पनाहगाह नहीं। अफगान अमन की कामयाबी के लिए कोशिशें करते रहेंगे। सरहद पर बार गैर कानूनी आमदोरफ्त रोकने के लिए लगा रहे हैं। कराची के इलाके किमाड़ी में जहरीली गैस से खातून समेत 5 अफराद जान बहक, 100 अफराद की हालत गैर। 3 ICU में जेरे इलाज। बेशतर मुतासरीन को सांस लेने में दुश्वारी का सामना। पाक बहरिया बायोलॉजिकल केमिकल डैमेज कंट्रोल इलाके में मौजूद। पुलिस हुकाम का कहना है कि हकाइक पता लगने तक कंटेनर्स को किमाड़ी तक महदूद रखा जाएगा। वफाकी वजीर बराए बहरी अमूर अली जैदी कहते हैं कि किसी जहाज से गैस खारिज नहीं हुई। जिस जहाज की वीडियो वायरल हुई वो सोयाबीन का जहाज था। बगैर मास्क इलाके का दौरा किया, मरीजों की आयादत भी की। चीन में कोरोना वायरस के वार, एक दिन में 100 से जायद हुए शिकार। कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 1770 हो गई। सिंगापुर में कोरोना वायरस के 3 नए केसेस की तस्दीक। वज़ीर आज़म ने सिविल सर्विसेज में इस्लाहात का वादा पूरा कर दिया। परफॉर्म करने वालों को मेरिट के तहत प्रमोट किया जाएगा। फिरदौस आशिक अवान ने ट्वीट में कहा कि खुशनूदी या सियासी खानदान की खदमत तरक्की का मयार नहीं बनेगी। और खत्म होने को है इंतजार। शायकीन क्रिकेट है बेकरार। PSL 5 का आगाज जुमेरात से होगा। ट्रॉफी की रोनमाई बुध को की जाएगी। कराची किंग्स पहला प्रैक्टिस मैच आज इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ खेलेगी। दूसरे मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी मध्य मुकाबल होंगे। हेडलाइंस आपने जानी, अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए IM TV।